H3N2 वायरस की बिहार में एंट्री। जांच के दौरान महिला पाई गई H3N2 वायरस पॉजिटिव। बिहार के किस शहर में मिला पहला केस। भारत में H3N2 इन्फ्लुएंजा से अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं H3N2 वायरस के बढ़ते मामलों ने लोगों में चिंता बढ़ा दी है। इस नई मुसीबत को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इसी बीच बिहार में भी इस वायरस ने एंट्री ले ली है। बिहार में H3N2 वायरस का पहला केस सामने आया है। बिहार में एक महिला H3N2 वायरस पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद से वहां के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस बारे में अलर्ट जारी कर दिया है, साथ ही इससे जुड़ी टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है। बिहार में पहला मामला उसकी राजधानी पटना में पाया गया है। पटना के राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में H3N2 इन्फ्लुएंजा के एक मामले की पुष्टि हुई है, जहां के ओपीडी में दिखाने के दौरान महिला मरीज का सैंपल लिया गया था। उस सैंपल की जांच में महिला H3N2 इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव पाई गई। इस बारे में RMI के निदेशक ने पुष्टि की है। वहीं इस मामले में पटना के ही डॉक्टर के मुताबिक वायरल के मामले पिछले 15 दिनों में तेजी से बढ़े हैं। उनकी क्लिनिक में इन्फ्लुएंजा के लक्षणों वाले कम से कम 10 रोगी रोजाना मिल रहे हैं। हालांकि उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खतरनाक नहीं है, बस सावधानी बरतने की जरूरत है। इतना ही नहीं, पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बाल रोग विभाग के पूर्व प्रमुख डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण ने भी इस बारे में जरूरी जानकारी दी है। उनके मुताबिक खांसी, सर्दी, बुखार, दस्त के साथ आने वाले बच्चों की संख्या हाल ही में दोगुनी हो गई है, जो कि ये H3N2 के कारण है। उन्होंने कहा कि H3N2 N1H1 का एक नया संस्करण था। वहीं इस बीमारी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन ना करने की सलाह दी है। उन्होंने लोगों को सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट के लिए जाने की सलाह दी है। वहीं केंद्र सरकार ने इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि इन्फ्लुएंजा और तेज सांस की बीमारी वाले रोगियों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। साथ ही ऐसे लक्षणों वाले लोगों के सैंपल्स की भी जांच की जाए। इसके अलावा इस बीमारी के इलाज के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से जारी प्रोटोकॉल का भी कड़े रूप से पालन करने को कहा गया है। वहीं लोगों से अपील की गई है कि ऐसे लक्षणों वाले लोगों से दूरी बनाकर रहें और इससे संबंधित गाइडलाइन का पालन जरूर करें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।